Taking a dig at AAP chief Arvind Kejriwal, BJP leader Shazia Ilmi hit out at the leader, saying that he is an opportunist and one who has double standards. Shazia Ilmi has been recently included into BJP. She is a former Team Anna member and ex-colleague of Kejriwal. She is learned to have said a man who used Swaraj and Jan Lokpal Bill, used Anna Hazare's name, gave up everything he stood for. Isn't he an opportunist? Ilmi ridiculed AAP's accusation that Bedi has soft approach toward the BJP during the Lokpal movement. अगर अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि वो हमेशा आक्रमण करते रहेंगे और उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लगातार उन्होंने इलेक्शन कमीशन का भी मजाक बना के रख दिया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। वो अराजकता फैलाने के उस्ताद हो गए हैं, बोल उनको लगता है वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब से पहले तो था कोई है नहीं उम्मीदवार, अब उम्मीदवार जब आ गई हैं तो किरण बेदी से ऑब्सेस क्यों हैं? पिछले 5 दिनों में वो सारे मुद्दे भूल कर सिर्फ और सिर्फ किरण बेदी को ही टारगेट कर रहे हैं। एक शानदार महिला अफसर को, एक कर्मठ महिला अफसर को, एक ऐसी शानदार महिला नेता को जिसने पूरा प्रतिनिधित्व किया था अन्ना हजारे आंदोलन का, और तब उनमें सारी बुराइयां नजर नहीं आईं जब उनके साथ किरण बेदी कंधे से कंधा मिलाकर अन्ना हजारे के मंच पर खड़ी होती थी, तब वो अवसरवादी नजर नहीं आती थी, तब वो खुद अवसरवादी अपने को नहीं कहते थे। लेकिन अब जब किरण बेदी उनका मुकाबला कर रही हैं, यानी कि जब वो मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करेंगे अपनी पार्टी से, तब तो बहुत ही बढ़िया राष्ट्रवादी हो जाएंगी किरण बेदी जी, लेकिन जब उनके विरोध में खड़ी होंगी तो वो अवसरवादी हो जाएंगी। ये बिल्कुल दोगलापन है, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। पावर्ड बाय NNIS।